तो क्या होता है एडी, क्या होता है बीसी, और यीशु मसीह का एडी और बीसी से क्या संबंध है, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है, और इस वीडियो में आपको आज एडी और बीसी के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपकी नॉलेज के लिए ये एक बेहतरीन वीडियो है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एडी और बीसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि बीसी क्या होता है, क्या होता है बीसी का मतलब। तो मेरे बच्चों, माय डियर ओल्ड फ्रेंड एंड स्टूडेंट, एक्चुअल में बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है यीशु मसीहा के जन्म से पहले का समय, यानी जब यीशु मसीहा का जन्म हुआ था उससे पहले का जब समय हो तो उसमें बीसी यूज किया जाता है, यानी बीसी लगाया जाता है, यानी बिफोर क्रिस्ट। इसलिए इसका नाम पड़ा बिफोर क्रिस्ट। इसकी फुल फॉर्म हम जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, मतलब यीशु मसीहा का जब जन्म हुआ था उससे पहले के समय के लिए हम बीसी को यूज करते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे 500 बीसी मैंने लिख दिया, आप देखो यहाँ पे 500 बीसी लिख दिया। तो 500 बीसी का मतलब है यीशु मसीहा के जन्म से पहले। आप 500 साल पीछे चले जाइए तो वहां पे हम 500 बीसी लिखेंगे, या अगर कहीं 600 बीसी लिखा है तो इसका मतलब यीशु मसीहा के जन्म के 600 साल पीछे चले जाइए तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 600 बीसी। तो आई होप आपको समझ में आया। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, खास तौर पे एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जब बीसी लगाया जाता है, यानी याद रहे कि बीसी के अंदर यानी बीसी में साल जो है पीछे की ओर चलते हैं। यीशु मसीहा के जन्म से पहले अगर हम बोले तो इसका मतलब साल पीछे की तरफ होते हैं, यानी बीसी में जो आपके पास साल है ना पीछे की तरफ गिने जाते हैं, पीछे की तरफ गिने जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि बीसी क्या होता है। अब हम यहां पे देखें कि एडी का मतलब क्या होता है। तो माय डियर ओल्ड फ्रेंड एंड स्टूडेंट, एक्चुअल में एडी का मतलब होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, अब आप सोच रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। एनो डोमिनी जो है ना एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है ईयर ऑफ लॉर्ड। ईयर ऑफ लॉर्ड यानी यीशु मसीहा के जन्म के बाद का समय, यानी जहां एडी लगा मिलेगा आपको तो समझ लेना वो ये बात कर रहा है कि यीशु मसीहा का जब जन्म हुआ था तो उस समय के बाद का समय, तो वहां पे हम एडी का इस्तेमाल करेंगे। एडी मतलब एनो डोमिनी, जो कि एक लेटिन वर्ड है, और इसका मतलब मैंने जो कि बताया आपसे ईयर ऑफ लॉर्ड। ओके, अब यहां पे एक एग्जांपल देखो, यहां पे लिखा है एग्जांपल में कि अगर मान लो 2000 एडी लिखा है तो इसका मतलब है कि यीशु मसीहा के जन्म के बाद जब 2000 साल बाद है तो वहां पे 2000 एडी लगाएंगे, यानी 2000 एडी लगाएंगे। अब अगर मान लो आप सपोज करो अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है, यानी 2024, तो 2024 के पीछे जो है हम एडी लगाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बाद 2024 पूरे हो गए हैं तो 2024 एडी लिखा जाएगा। इसका मतलब हम किस ईयर में है, 2024 एडी में है। तो आई होप आपको एडी समझ में आया, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब एडी की बात करें, यानी याद रहे एडी के अंदर यानी एडी में साल जो है आगे की ओर चलते हैं, याद रहे एडी में साल जो है वो आगे की ओर चलते हैं ना कि पीछे की ओर चलते हैं। बीसी में अगर हम बीसी की बात करें ना, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बीसी में क्या होता था, याद करिए बीसी में साल जो है पीछे की तरफ चलता था और एडी में साल जो है आगे की ओर चलता है। अब आप एक पिक्चर देखेंगे ना, एडी और बीसी को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में हम ध्यान से देख पा रहे हैं, इस पिक्चर को आप देख रहे हो तो इस पिक्चर में सबसे पहले देखो बीच के अंदर, यानी बीच में जो वन ईयर लिखा है, इसको वन ईयर जो लिखा है उसको देखिए आप, वन ईयर है और यहां पे इसके वन ईयर है और इसके ऊपर जस्ट लिखा है ईयर वन व्हेन जीसस वाज बोर्न, यानी ये वो वन ईयर है जब जीसस का जन्म हुआ था। मान लीजिए जीसस का जब जन्म हुआ था तो हमने उसको वन ईयर मान लिया कि भाई साल हमारी स्टार्ट हुई थी, हमारे जो ये ईयर बनाए गए, कैलेंडर बनाए गए, इसमें जो पहला साल है वो तब लिया गया जब हमारे जीसस का जन्म हुआ था, राइट, तो उसे वन ईयर मान लिया गया। अब देखो अगर हम लेफ्ट साइड में चले, यानी जीसस के जन्म से पहले चले, जिसमें यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है 100 बीसी, फिर लिखा है यहां पे देखो 100 बीसी, फिर लिखा है यहां पे 500 बीसी, तो हम जीसस के जन्म से पहले चलते जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ये बीसी समझा जाएगा। बीसी, बीसी का मतलब बच्चों हिंदी में बोलते हैं ईशा पूर्व, यानी ईशा मसीहा से पहले, जन्म से पहले, ईशा पूर्व इसको हिंदी में बोला जाता है। इसका मतलब बीसी जो है जीसस के जन्म से पहले का समय होता है बीसी। तो आप समझ में आया आपको कि मैंने क्या बताया। आप देखिए यहां पे, आप यहां पे राइट साइड में आ जाइए, आप राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, आप राइट साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे एडी जो है, एडी कब लगाया गया है, एडी कहां है, एडी है ईशा मसीहा के जन्म के बाद, यानी राइट साइड में। आप यहां एरो देख रहे हैं, आप एडी का मतलब एनो डोमिनी है, आपको पता है, और इसको ईसवी कहा जाता है हिंदी में, इसको ईसवी पढ़ा जाता है, ईसवी पढ़ा जाता है, यानी ईशा मसीहा के जन्म के बाद का समय। और यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जीसस के जन्म के बाद यहां पे एक, यहां पे कुछ साल दिए हुए हैं, जैसे 700 एडी,
तो ईसा मसीहा के जन्म के 700 साल बाद जो है, जो साल है उसके वहां पे हमने एडी लगाया हुआ है, ऐसे यहाँ पे 2000 एडी लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे 2024 एडी दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया कि ईसा मसीहा के पहले के समय में, पहले के समय के ईयर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो बीसी लगाएंगे, और ईसा मसीहा के बाद के समय, जन्म के बाद के समय में अगर हम ईयर में रिप्रेजेंट करेंगे ईयर को, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली हम वहां पे एडी लगाएंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एडी और बीसी क्या होता है।